हे गाइस वेलकम टू माय चैनल। आज से हम खेलने जा रहे एक ऐसा गेम जिसको भाई किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, क्योंकि भाई ये है इस दुनिया का सबसे फेमस गेम जिसका नाम है माइनक्राफ्ट। और माइनक्राफ्ट में हम खेलने जा रहे हैं जावा एडिशन, और यही एक ऐसा गेम है भाई जिसने यूट्यूब पे 1 ट्रिलियन व्यूज भी अचीव किए हैं। तो मुझे बताने की बिल्कुल जरूरत नहीं कि ये गेम कितना ज्यादा औसम है। तो भाई जल्दी से करते इस गेम को शुरू। तो सबसे पहले तो ऐसा करते अपने वर्ल्ड का नाम डाल देते हम। तो मैं अपने वर्ल्ड का नाम डाल देता हूँ इसमें मैट्रिक्स। ऑलराइट, तो मैट्रिक्स नाम मुझे ऐसा लगता है भाई काफी सूट होगा। तो सर्वाइवल मोड है, नॉर्मल डिफिकल्टी है और सब कुछ ठीक है। तो क्रिएट न्यू वर्ल्ड। ऑलराइट गाइस, तो मैं स्पॉन हो चुका हूँ इस बर्फीले से आइलैंड पे। भाई ये सही बताऊं ना, मुझे ये जगह बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही। पता नहीं भाई कैसी जगह पे स्पॉन हुआ हूं मैं, बिल्कुल चोटी जैसी है भाई, मैं गिर गया शुरुआत में ही। तो सबसे पहले तो भाई मुझे यहां से भाग लेना चाहिए। आई थिंक भाई मुझे ना कोई ब्लेज या फिर कोई ऐसी जगह ढूंढनी चाहिए जहां पे मैं अपने लिए अपना घर बना सकूं। सबसे पहले तो भाई मैं ऐसा करता हूं कोई ऊंची सी जगह पे जाके ना इस जगह को देख लेता हूं, ये जगह कितनी दूर तक फैली हुई है। और मुझे ऐसा लग रहा है भाई ये बहुत ज्यादा दूर तक फैली हुई है, और भाई मैं नहीं चाहता कि मेरा घर किसी बर्फीले आइलैंड पे हो। और शायद ये बर्फ यहीं पे खत्म हो गई है, ठीक है, ये तो बहुत ज्यादा अच्छी बात है। नहीं तो मैं सोच रहा था ये भाई ये बहुत दूर दूर तक फैली हुई है। पता हमारे यहाँ पे एक फायदा हो चुका है, मतलब यहाँ पे इतने बड़े बड़े पेड़ है ना, तो हम इनकी वुड कलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं जल्दी से इनकी वुड कलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि यार वुड ना बहुत जरूरी है इस गेम में। और जल्दी से भाई मुझे ना अपने लिए टूल्स भी बनाने पड़ेंगे। तो सबसे पहले तो भाई जितनी हो सकती है उतनी वुड मैं अपने लिए कलेक्ट कर लेता हूँ, और साथ ही भाई मुझे अपने फूड साइकिल का भी ध्यान रखना पड़ेगा। और बहुत जल्दी भाई रात भी हो जाएगी, और जिसमें भाई स्केलेटन्स और ज़ॉम्बीज हमारे ऊपर आकर अटैक कर देंगे। तो सबसे पहले तो भाई अपनी वुड से ना मैं अपने लिए प्लैंक्स बना लेता हूँ, ये इतने बन चुके। अब मुझे बनानी है क्राफ्ट टेबल, ठीक है, तो क्राफ्ट टेबल भी भाई मैंने बना लिया है। ऑलराइट गाइस, तो क्राफ्ट टेबल तो मैंने बना लिया, तो इसको मैं यहाँ पर रख देता हूँ। और तो अब देखते भाई क्राफ्ट टेबल से हम क्या क्या चीज बना सकते हैं। तो सबसे पहले तो भाई मुझे एक एक्स की जरूरत पड़ने वाली, क्योंकि मुझे बहुत सारे पेड़ काटने हैं, तो मुझे एक्स बनानी पड़ेगी। तो उसके लिए भाई मैं ऐसा करता हूँ थोड़ी सी स्टिक्स बना लेता हूँ, क्योंकि स्टिक्स की मदद से ही एक्स बनने वाली है। और एक्स को बनाने के लिए भाई मेरे को रखने पड़ेंगे ये, आई थिंक इस तरह से, नहीं नहीं ऐसे तो पिक एक्स बनेगी, अब शायद एक्स बन जाएगी। तो मैं अपने लिए एक्स बना लेता हूँ, और इसको मैं रख देता हूँ अपने इन्वेंटरी में। तो अब भाई इससे मेरी लकड़ी की एक्स तो बन चुकी, जो कि भाई अपने हाथों से तो ज्यादा पावरफुल है ही। तो अपनी भाई चेस्ट को भी तोड़ के अपनी इन्वेंटरी में रख लेता हूँ मैं, और थोड़े से पेड़ में और कलेक्ट कर लेता हूँ अपने लिए, और जिससे भाई अपने लिए मैं और भी टूल्स बना लूंगा। अब ऐसा करता हूँ भाई मैं अपने लिए ना एक स्वॉर्ड भी बना लेता हूँ, क्योंकि स्वॉर्ड की मुझे जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि मेरा फूड बार है ना भाई वो जल्दी जल्दी कम हो रहा है, तो मुझे थोड़ी सी हंटिंग भी करनी पड़ेगी। और फिर अब करता हूँ भाई डक का शिकार, क्योंकि इससे ना मुझे थोड़ा सा मीट मिल जाएगा जो कि मुझे मिल चुका है। और कच्चा अगर मैं इसे खाऊंगा ना, इससे थोड़ा सा मेरा फूड बार बढ़ेगा, लेकिन इसको मैं अगर पका के खाऊंगा तो भाई बहुत जल्दी जल्दी मेरी फूड बार बढ़ जाएगा। तो ऐसा करते हुए इस काऊ को भी मैं मार देता हूँ, क्योंकि इससे भी भाई मुझे मीट मिल जाएगा। तो मेरे पास खाना तो हो चुका है, साथ ही मुझे लेदर भी मिल चुका है। अब मुझे भाई अपने लिए एक जगह ढूंढनी पड़ेगी जहाँ पे मैं अपना घर बना सकूँ, क्योंकि भाई घर ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और बहुत जल्दी रात भी होने वाली है। भाई यहाँ पे शीप मुझे मिल चुकी है, मतलब अगर मैंने शीप को मार दिया तो इससे मुझे वूल मिल जाएगी, और उस वुल की मदद से भाई मैं अपने लिए बेड बना सकता हूँ, जिससे भाई मैं रात में सो जाऊंगा और रात ना जल्दी जल्दी स्किप हो जाएगी, जिससे अगला दिन हो जाएगा और भाई मैं सेफ भी रहूंगा ज़ॉम्बीज और स्केलेटन्स वगैरह से। तो यहाँ पे क्या है भाई, यहाँ पे मेरे को बहुत सारी चीजें दिख रही है। नहीं नहीं यहाँ से तो मैं निकल लेता हूँ। और जैसा कि मैंने बोला था भाई ये एक आइलैंड है पूरा, मतलब भाई मैं नहीं चाहता था मैं किसी आइलैंड पे स्पॉन हूँ, मैं चाहता था कोई भाई सपाट सी जगह हो, पर नहीं भाई ये पूरा का पूरा एक आइलैंड ही है, वो भी भाई बर्फ से घिरा हुआ है। तो सबसे पहले मुझे ऐसा करना पड़ेगा भाई अपने लिए एक बोट बनानी पड़ेगी, और उस बोट की मदद से ना भाई मैं यहाँ से तैर के, वैसे मुझे बोट बनाने की जरूरत नहीं भाई, क्योंकि ये नदी ना भाई जमी हुई है, इसके ऊपर मैं चल सकता हूँ इजीली, ठीक है। क्या मैं कांच को भी तोड़ सकता हूँ? ठीक है भाई, मैंने कांच तोड़ दिया, मतलब नदी के अंदर भी मैं जा सकता हूँ, पर भाई ये नदी बहुत ज्यादा ठंडी होगी तो मैं इसके अंदर नहीं जाना चाहता। और आई थिंक भाई सामने इस नदी को पार करते ही ना मुझे कोई सपाट जगह दिख जाएगी जहाँ पे मैं अपने लिए घर बना सकता हूँ, बस भाई वो भी बर्फीली जगह ना हो। शायद उधर जाऊंगा तो मैं बर्फीली जगह मिलेगी मुझे, तो मैं ऐसा करता हूँ इधर चलता हूँ स्ट्रेट। बाकी भाई नजारा देखो कितना ज्यादा अच्छा है, पीछे भाई बर्फ का पहाड़ है और जंगल भी इतना बड़ा, और यहाँ पे देखो भाई छोटे छोटे रैबिट है जो की भाई खेलने लग रहे हैं आपस में। तो मैं क्या करूँ, इनको मार दूंगा मीट के लिए? नहीं यार, ये इतने अच्छी तरह से खेल रहे हैं तो नहीं, इनको मारने का मेरा मन नहीं कर रहा। ये पानी जमा हुआ नहीं है, ठीक है, इसके अंदर मैं जा सकता हूँ, जो कि भाई एक केव टाइप की कुछ है। और मुझे ऐसा लग रहा भाई अगर रात हो गई तो मैं यहाँ पे इजिली रुक सकता हूँ, और मेरे रहने के लिए भाई अच्छी खासी जगह भी है, लेकिन अभी रात होने में भाई अच्छा खासा टाइम है, तो नहीं भाई मैं अभी रुक के थोड़ा टाइम वेस्ट नहीं कर सकता।
अपना। तो सबसे पहले तो भाई मुझे अपने लिए एक जगह ढूंढनी है रहने के लिए, या फिर भाई मुझे कोई विलेज मिल जाएगा ना तो भाई बहुत ज्यादा बढ़िया होगा, क्योंकि वहां पे ऑटोमेटिक कुछ घर बने रहते हैं और बेड भी मुझे मिल जाएगा, तो मुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बाकी का मैं देख लेता हूँ मेरे पास कितनी वूल है, मेरे पास एक ही वूल है, और मुझे बेड बनाने के लिए देख लेता हूँ कितनी वूल की जरूरत पड़ने वाली है। मुझे बेड बनाने के लिए पड़ने वाली है 3 वूल की जरूरत, और मेरे पास सिर्फ 2 ही है, तो इससे तो भाई मेरा काम नहीं होने वाला है। तो अपनी क्राफ्ट टेबल को उठा के जल्दी से यहाँ से भाग लेता हूँ अच्छी से जगह की तलाश में। ऑलराइट गाइस, तो ढूंढते ढूंढते मुझे बहुत देर हो चुकी है और मैं इस इलाके में आ चुका हूँ, और सामने मुझे एक गुफा दिख रही है, और देखो भाई धीरे धीरे चांद भी निकलने लग गया और रात होती भाई ये जितना सुंदर सा माहौल है ना बहुत ही ज्यादा डरावना होने वाला है। तो मैं सोच रहा हूँ अपनी पहली रात को ना इसी गुफा में बिता लेता हूँ, और फिर जो अगला दिन होगा ना तब से भाई कोई नई जगह की तलाश में करूंगा। और सबसे पहले तो भाई मुझे थोड़े से कोल की जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि मुझे अपने लिए टॉर्चेस बनानी है, क्योंकि भाई बहुत जल्दी यहाँ पे अंधेरा होने वाला है तो मुझे कुछ भी दिखाई नहीं देगा। तो टॉर्चेस अगर मैं बना लूंगा ना तो भाई जैसे थोड़ी बहुत रोशनी हो जाएगी, और साथ ही भाई मुझे एक पिकैक्स भी बनानी चाहिए, क्योंकि इस पत्थर को तोड़ने भाई मुझे बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है। मैंने इसको तोड़ तो दिया पर भाई मेरे पास कोल आया नहीं, आया मुझे पता ही नहीं चला। तो ऐसा करता हूँ जल्दी से अपने लिए एक पिकैक्स भी बना ही लेता हूँ। तो पिकैक्स को बनाने के लिए भाई मैं इसमें चला जाता हूँ, ठीक है, और पिकैक्स हमारी बन चुकी है, और इसको लेके भाई अब ये जल्दी जल्दी कोल को तोड़ देगी। मैं थोड़ा सा ना अपने लिए पत्थर भी कलेक्ट कर लेता हूँ, जिससे ना भाई मैं अपने लिए पत्थर के टूल्स बना लूंगा, क्योंकि लकड़ी के टूल्स भाई इतने ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। और मैं सोच रहा हूँ भाई मैंने इतनी माइनिंग कर ही दी है, तो थोड़ा सा मैं इसी में एक रूम टाइप बना लेता हूँ आज की रात निकालने के लिए। तो मैं इसको और थोड़ा सा तोड़ देता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं ऐसा करता हूँ अपने लिए पत्थर की पिकैक्स बना लेता हूँ, क्योंकि यार वो तो थोड़ी से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। अब हमारी पत्थर की पिकैक्स बन चुकी है। ऑलराइट गाइस, तो ये बहुत जल्दी जल्दी इसकी खुदाई कर रही है, और यहाँ पे भाई बहुत ज्यादा अंधेरा भी होने लग गया है। तो मैं ऐसा करता हूँ अपने लिए एक टॉर्चेस भी बना लेता हूँ, जो कि भाई बनेगी कोल से और स्टिक्स से। तो ऑलराइट गाइस, 4 टॉर्चेस मैंने बना लिए, तो पहली टॉर्च को तो मैं यहाँ लगा देता हूँ, ठीक है, और दूसरी को मैं लगा देता हूँ भाई यहाँ पे, जिससे भाई अच्छा खासा उजाला यहाँ पे हो चुका है। अब भाई मुझे डरने की जरूरत नहीं है, और मैं ऐसा करता हूँ अपने गेट को ना ब्लॉक कर देता हूँ, जिससे भाई कोई भी एंटर नहीं कर पाए यहाँ पे, वरना भाई पता चले कोई स्केलेटन या फिर ज़ॉम्बी आके हमारा पीछे से खेल कर जाए। और भाई अगला दिन जब तक होगा ना जब तक मैं अपने लिए थोड़ी सी माइनिंग कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे अगले दिन भाई पत्थर वगैरह की तो बहुत जरूरत पड़ने वाली है। तो मैं माइनिंग कर लेता हूँ, और क्या पता भाई मुझे आयरन भी मिली जाए, जिससे भाई मैं अपने लिए आयरन के टूल बना सकूँ। तो ऑलरेड गाइस, आप देख सकते हो भाई मैंने कितनी लंबी टनल बना दी है। और भाई मुझे माइनिंग करते करते एक ये चीज मिली है, जिसका मुझे कोई आइडिया नहीं है भाई ये है क्या चीज। तो एक बार मैं देख लेता हूँ ये क्या चीज है, और ये आई थिंक भाई कॉपर है, जिससे भाई मैं कॉपर की ब्रिक्स बना सकता हूँ आगे चल के, जो कि भाई हमारे पत्थर से तो मजबूत ही होंगी, लेकिन भाई कॉपर से ना अपने लिए टूल नहीं बना सकता। टूल खाली मैं पत्थर के, लकड़ी के, आयरन के, और गोल्ड के और डायमंड के ही बना सकता हूँ, उसके अलावा भाई और मैं किसी चीज का टूल्स नहीं बना सकता। तो अब मुझे ऐसा लगता है भाई इतनी माइनिंग काफी है, मेरे पास अच्छे खासे पत्थर इकट्ठे हो चुके हैं, इससे आगे की माइनिंग भाई मैं कल करने वाला हूँ। और आप देख सकते हो बाहर भाई क्रीपर्स घूमने लग रहे हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा डेंजर होते हैं। वो जैसे हमारे पास आएंगे ना भाई वो फट जाएंगे, जिससे भाई हमें बहुत ज्यादा डैमेज मिलेगा, या तो हम मर भी सकते हैं सीधे। तो भाई मुझे जल्दी दिन होने का इंतजार करना, क्योंकि दिन होते ही ना भाई ये धूप की रोशनी में जलने लग जाते हैं। आई थिंक भाई इसने मुझे देख लिया, और ये देखो मेरी तरफ कितनी स्पीड से आ रहा है भाई। तो मैं ऐसा करता हूँ इस गेट को यहाँ पे लगा देता हूँ, जिसकी वजह से ये अंदर नहीं आ पाएगा, ठीक है, और हम बिल्कुल सेफ हो जाएंगे। बस यार मुझे पता नहीं चल रहा है कि बाहर क्या हो रहा है, तो मैं ऐसा करता हूँ इसको भी लगा के तोड़ के देख लेता हूँ, बस वो क्रीपर यार सामने ही ना हो और फट जाए मुझे देखते ही, तो दिक्कत हो जाएगी। और उसने मुझे फिर से देख लिया भाई, ये क्या हो रहा है भाई, ये तो जीने नहीं देगा इस तरह से। पर मुझे ऐसा लग रहा है भाई ये अंदर आ नहीं सकता, क्योंकि मैंने इस गेट को ऑलरेडी ब्लॉक कर दिया है, तो मुझे इतना ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। ऑलराइट गाइस, तो मुझे ऐसा लग रहा है अगला दिन हो चुका है, देखो बाहर रोशनी हो चुकी है अच्छी खासी। तो सबसे पहले तो अपनी मैं टॉर्चेस को ले लेता हूँ, क्योंकि भाई मुझे फिर से नहीं बनानी पड़ेगी। और अभी भी क्रीपर बाहर ही है भाई, अगला दिन हो चुका है, तो ये गया क्यों नहीं यहाँ से। तो मुझे ऐसा लगता है मुझे अपना रास्ता यहाँ से बदल के इससे बच बचा के निकल जाता हूँ। पर यार मेरी क्राफ्टिंग टेबल वही रखी हुई है, जो कि भाई मुझे चाहिए, क्योंकि मुझे फिर से वो नहीं बनानी। तो मैं जल्दी से ऐसा करता हूँ अपनी एक्स हाथ में ले लेता हूँ, और इसे बच बचा के अपनी क्राफ्टिंग टेबल को ले लेता हूँ। उसने मुझे देख तो नहीं लिया भाई, मुझे जल्दी से लेनी पड़ेगी, ठीक है, और वो मेरे पीछे ही है। और देखो फट चुका है भाई, कितना तगड़ा धमाका किया इसने। पर इसके धमाके से ना मुझे कोल दिख चुका है, जिसको मैं ले लेता हूँ। कोल को तोड़ने से ना भाई हमारी एक्सपी भी बढ़ती है, तो ये बहुत ज्यादा अच्छी चीज है। तो मैं ऐसा करता हूँ जितने ज्यादा यहाँ पे कोल है ना सारा का सारा एक बार में इकट्ठा कर लेता हूँ, क्योंकि कोल भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, और इससे ना हम आगे चल के अपने लिए फूड भी कुक कर सकते हैं फर्नेस बना के। तो मैं थोड़ा सा कोल और कलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैं देख लेता हूँ मेरे पास कितना कोल हो चुका है, मेरे पास 11 कोल हो चुका है, जो कि मुझे ऐसा लगता है इनफ है। और दिन भी भाई बहुत अच्छा सुहाना सा हो चुका है, तो मुझे जल्दी से अपने घर की तलाश में लग जाना चाहिए भाई। कोई भी अच्छी सी जगह जैसी मुझे मिलेगी ना, वहाँ पे मैं बहुत अच्छा अपने लिए घर बना दूंगा, या फिर कोई विलेज मिल जाए तो भाई उससे तो बढ़िया कोई बात हो ही नहीं सकती, क्योंकि विलेज के पास में रहना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि भाई जो विलेजर्स होते हैं ना उनके पास बहुत अच्छे अच्छे रिसोर्सेज होते हैं, उनको हम यूज कर सकते हैं आगे चल के। और अभी थोड़ा सा इसका फूड बार भी कम हो चुका है, तो सबसे पहले तो मैं खाना खा लेता हूँ।
और मेरे पास शायद खाना भी भाई खत्म होने को ही है, तो मुझे अपने खाने का भी इंतजाम करना पड़ेगा। और ऊपर ना भाई मेरे को डक दिख चुकी है, तो सबसे पहले तो मैं ऐसा करता हूँ अपनी स्वॉर्ड हाथ में ले लेता हूँ। वैसे भाई ये लकड़ी की स्वॉर्ड है तो इतनी ज्यादा पावरफुल नहीं है, पर डक डक को मारने के लिए तो भाई यही काफी है, क्योंकि डक बहुत ज्यादा कमजोर होती है। तो मैं इसको भी मार देता हूँ, ठीक है, इससे मुझे अच्छा खासा मीट मिल जाएगा। इससे मुझे फेदर भी मिल रहा है भाई, जिससे मैं अपने लिए एरो बना पाऊंगा। ठीक है, अब मुझे बस अपने लिए जगह ढूंढनी है। और भाई सही बताऊँ ना, मैं बिल्कुल घिरा हुआ हूँ यार पेड़ से। इधर तो भाई जंगल है वुड का, और इधर तो भाई जंगल है, और ये वही पहाड़ है जिसको भाई मैं क्रॉस किया था पहले, और सामने भी भाई बड़े बड़े पहाड़ है। तो मैं समझ नहीं आ रहा भाई मैं किधर जाऊँ। तो ऐसा करता हूँ, मैं इस वाली नदी को पार करके उस वाले इलाके में जाने की कोशिश करता हूँ। और मैं बहुत ज्यादा ऊंचाई पे आ चुका हूँ, तो भाई यहाँ से मैं कैसे निकलूँ। तो मैं ऐसा करता हूँ, इसको डिग कर देता हूँ नीचे की तरफ। ठीक है, इतना काफी है भाई। यहाँ से भी इसको डैमेज मिल चुका है, तो ठीक है भाई जल्दी से अपने घर की तलाश में लग जाता हूँ। थोड़ा सा मीट में और कलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि भाई मेरे को भूख बहुत ज्यादा लगती है। जितना मैं ज्यादा काम करता हूँ ना, मुझे उतनी ज्यादा भूख लगती है। तो मैं पहले ही बहुत सारा मीट इकट्ठा कर लेता हूँ अपने लिए। थोड़ा सा मैं भाई ऐसा करता हूँ, खा भी लेता हूँ। अगर मेरा भाई खाने का बार पूरा रहेगा ना, तो मेरी हेल्थ भी भाई बढ़ती रहेगी। तो ऑलराइट गाइस, चलते फिर अच्छी सी जगह की तलाश में। ऑलराइट गाइस, मैं बहुत ज्यादा दूर आ चुका हूँ, और मुझे भाई अभी भी कोई इतनी अच्छी लोकेशन तो नहीं मिली जहाँ पे मैं अपने लिए घर बना सकूँ। क्योंकि यार मुझे ना सही बताऊँ, अपना घर ऐसी जगह पे बनाना है जहाँ पे बर्फ ना हो दूर दूर तक। और भाई ये देखो मैं कहाँ आ चुका हूँ, सामने भाई पोलर बियर्स है, वो भी दो दो। मुझे ऐसा लगता है भाई इस गेम में ये थोड़े रियर है, मतलब इतनी आसानी से नहीं दिखते। और ये कहीं मेरे ऊपर हमला तो नहीं कर देंगे? और भाई ये बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रहे हैं मुझे, पर मुझे ऐसा लगता है भाई काफी शांत है, ये मेरे ऊपर हमला नहीं कर रहे। और आगे चल के भाई शायद मैं इनको टेम करके पाल सकता हूँ। और मैं भाई नदी में गिर चुका हूँ, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, निकल यहाँ से। और आगे चल के शायद मैं इनको पाल सकता हूँ, तो भाई ये बहुत ही ज्यादा अच्छी बात होगी। ऐसा करता हूँ, मैं इसके पास जाके देखता हूँ ये मेरे ऊपर हमला करेगा या फिर नहीं करेगा। भाई ये मेरे ऊपर बिल्कुल भी हमला नहीं कर रहा भाई, ये बहुत ही ज्यादा पोलाइट है। तो मैं अभी तो भाई इनको अकेला छोड़ देता हूँ, बाद में यहाँ पे आके किसी एक पोलर बियर को अपने साथ लेके जाऊंगा। और आप एक चीज नोटिस कर रहे हो भाई, यहाँ पे बर्फ पिघलना शुरू हो चुकी है, मतलब देख रहे हो यहाँ पे नदी मुझे विजिबल हो रही है। तो मुझे ऐसा लग रहा है भाई मैं इस बायोस्फीयर के बाहर जा रहा हूँ, बर्फ वाली के, कोई नया स्पीयर आने वाला है, तो मैं यहाँ से तैर के निकल जाता हूँ फिलहाल तो। ऑलरेडी गाइस, बहुत देर भटकते भटकते मेरे को एक जगह मिली है। यहाँ पे भाई कुछ कुछ घर जैसा ही है, ये देख सकते हो भाई यहाँ पे सीढ़ियां बनी हुई है और यहाँ पे फेंसिंग लगी हुई है। और साथ ही भाई मुझे ऐसा लग रहा है ये रहने वाली जगह है, लेकिन यहाँ पे भाई एक भी इंसान मुझे नहीं दिख रहा है। इसका मतलब भाई यहाँ पे वो शायद पहले रहा करते होंगे, लेकिन बाद में भाई ये जगह उनके लिए इतनी सूटेबल नहीं होगी, तो वो यहाँ से निकल गए। और यहाँ से मुझे थोड़ी बहुत वुड मिल जाएगी, तो मैं ऐसा करता हूँ थोड़ी बहुत वुड अपने लिए कलेक्ट कर लेता हूँ। पर यार मैं सोच रहा हूँ यार वो चले कहाँ गए, क्योंकि अगर वो यहीं रहते तो हमारे लिए भाई हमें कुछ चीजें मिल जाती, पर नहीं यार वो जा चुके हैं यहाँ से। तो मुझे ऐसा लगता है भाई मुझे भी यहाँ से निकल लेना चाहिए, क्योंकि भाई जब वो ही यहाँ पे नहीं रह पाए तो मैं कैसे रहूंगा। तो लट गई, फिर यहाँ से निकल लेते हैं जल्दी से। तो लट गई, फाइनली मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे बर्फ खत्म हो चुकी है, और यहाँ से भाई कोई नई जगह शुरू हो चुकी है। और साथ ही भाई सूरज भी डूब रहा है, मतलब हमारी ये दूसरी रात है। तो सबसे पहले ऐसा करता हूँ, मैं अपने लिए एक बोट बना लेता हूँ, क्योंकि आगे का सफर मैं अपने बोट से ही तय करने वाला हूँ, क्योंकि आगे ना अच्छी खासी दूरी पे पानी ही पानी है। तो सबसे पहले तो भाई मैं ऐसा करता हूँ, चेस्ट में चला जाता हूँ, और शायद ऐसे भाई बोट बन जाएगी। तो ऑलरेडी गाइस, बोट मैंने बना ली है। सबसे पहले तो मैं अपनी क्राफ्टिंग चेस्ट को यहाँ से ले लेता हूँ, क्योंकि भाई यहाँ पे बहुत ज्यादा खतरा होने वाला है बहुत जल्दी। और आई थिंक भाई मैं अगर बोट में रहूंगा तो मुझे इतना ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं बोट में रहकर सेफ रहूंगा। तो मैं अब ऐसा करता हूँ, अपनी बोट को चला के भाई एक अच्छी सी लोकेशन पर चला जाता हूँ। और शायद भाई जो विलेजेस होते हैं ना, वो नदी के किनारे ही मुझे मोस्ट प्रोबेबली मिल जाएंगे। तो अपनी बोट से भाई अगला सफर तय करने वाला हूँ मैं। भाई माइनक्राफ्ट में यही दिक्कत है, मतलब भाई तुम कहीं भी रैंडम स्पॉन हो जाते हो, तो तुम्हें सबसे ज्यादा ना डिफिकल्टी अच्छी सी लोकेशन ढूंढने में ही होती है, जहाँ पे तुम्हें अपना बेस बनाना है। और भाई यहाँ से आगे मेरी बोट जा पाएगी क्या? शायद जा सकती है। ये नदी भी भाई छोटी होने लग गई है, तो जहाँ तक भाई हमारी ये बोट जाएगी, हम वहीं तक इस बोट में बैठ के जाने वाले हैं। बाकी भाई रात हो चुकी है, तो बहुत सारे मॉन्स्टर्स भी बाहर आ चुके हैं हमें मारने के लिए, लेकिन भाई हम उनके हाथ नहीं आने वाले, क्योंकि हम बोट में बैठे हुए हैं। और सामने भाई आप देख सकते हो ज़ॉम्बीज़ घूमने लग रहे हैं, देखो हमें देख के भाई कैसे पागल हो रहे हैं ये, पर ये हमारा कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि भाई हमें बोट के अंदर। तो ऑलराइट गाइस, फाइनली मुझे बहुत ज्यादा देर ढूंढने के बाद एक विलेज तो मिल चुका है, जो कि भाई देखने में थोड़ा अलग सा लग रहा है। और ये मेरा भाई ड्रीम प्लेस तो नहीं है जहाँ पे मुझे अपना घर बनाना है, लेकिन भाई अभी फिलहाल के लिए मुझे ऐसा लगता है थोड़ा टाइम मुझे यही बिताना पड़ेगा, क्योंकि भाई मुझे पता नहीं उस जगह को ढूंढने मुझे कितना ज्यादा टाइम लगने वाला है। और देखो भाई साथ ही ये बहुत ही तगड़ा विलेज है, क्योंकि भाई आयरन गोलम
एकदम इसकी प्रोटेक्शन के लिए घूमने लग रहा है चारों तरफ। और यहाँ पे भाई मुझे सोने के लिए आई थिंक बेड तो मिल ही जाएगा, एक बार खोल के देख लेता हूँ। ठीक है भाई, यहाँ पे एक बार मुझे बेड मिल जाएगा, यहाँ पे चेस्ट भी रखी हुई है। ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूँ भाई, अपने कुछ दिन तो यहीं पे बिताने वाला हूँ, उसके बाद मैं नए प्लेस की तलाश में निकल जाऊंगा फिर से। और उससे पहले भाई ऐसा करता हूँ, उस वाले पहाड़ पे जाके ना मैं थोड़ी सी आयरन की माइनिंग कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी भी ना पत्थर के ही टूल है। तो मैं चाहता हूँ मैं अपने लिए आयरन के टूल बना लूँ, जो कि भाई पत्थर के टूल से बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं। तो सबसे पहले तो अपनी पिकैक्स में अपने हाथ में ले लेता हूँ। ऑलराइट, तो ये वाला आयरन मुझे दूर से दिख गया तो मैं आयरन की माइनिंग कर लेता हूँ। ऑलराइट, और मुझे आई थिंक कितना आयरन मिल गया, मैं एक बार चेक करता हूँ अपनी इन्वेंटरी। मुझे सिर्फ 3 ही मिला भाई, इससे तो मेरा कुछ भी नहीं होने वाला। तो मुझे और अंदर जाके देखना पड़ेगा कि अंदर क्या क्या है। और भाई यहाँ पे तो मुझे ज्यादा दिखाई नहीं दे रहा, तो शायद मुझे ऐसा करता हूँ इस पहाड़ को ना ऊपर से चढ़ के देख लेता हूँ। ऑलराइट गाइस, बहुत ज्यादा देर माइनिंग करने के बाद भी भाई मुझे यहाँ पे आयरन नहीं मिला, और बहुत जल्दी ना रात भी होने वाली है, जिससे भाई बहुत सारे मॉन्स्टर्स भी बाहर आने वाले। आप सामने देख सकते हो भाई, एक स्पाइडर बाहर आ चुका है। तो सबसे पहले तो इसका मैं ऐसा करता हूँ शिकार करने की कोशिश करता हूँ। क्या मैं इसको मार सकता हूँ क्या? नहीं 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 भाई, ये बहुत ज्यादा पावरफुल है अभी तो मैं ऐसा करता हूँ, अबे भग भग भग, अभी के लिए भाई अपने ब्लेज में जाके सो जाता हूँ, क्योंकि वहां पे मैंने बेड देखे थे। और यहाँ पे आई थिंक भाई इन्होंने कुछ उगा रखा है, शायद आलू है या फिर गाजर है, पता नहीं मुझे, वो तो भाई मैं बाद में देख लूंगा। और सबसे पहले मुझे कोई भी एक घर में जाके सोना होगा। तो यहाँ पे भाई पहले से सोया हुआ है, तो इसको मैं उठा देता हूँ और मैं सो जाता हूँ इसकी जगह पे। इसी के साथ भाई अगला दिन हो चुका, और बाहर ना सारे जितने भी मॉन्स्टर ज़ॉम्बीज़ है भाई जलने लग गए धूप की वजह से, आप देख सकते हो। ये क्रीपर है भाई, बच गया बच गया बच गया। ठीक है, दिन होने वाला है तो मुझे इतना ज्यादा डरने की जरूरत नहीं, तो मैं फिर से चलता हूँ उन्हें काम पे माइनिंग करने के लिए। और ये क्या भाई, ये पिंक कलर की भेड़ है क्या? ये पिंक कलर की शिप मैं पहली बार ही देख रहा हूँ। तो मैं सबसे पहले तो अपने जहाँ पे माइनिंग कर रहा था कल रात में, वहीं पे जाके अपनी और माइनिंग कंटिन्यू करने वाला हूँ। और थोड़ा सा खाना भी मैं खा लेता हूँ, क्योंकि मेरा फूड बार बहुत ज्यादा कम हो रखा है, और मेरे पास फूड की बहुत ज्यादा कमी भी है। तो ये सब करने से पहले भाई जितना भी मैं आयरन लेके आया था ना, एक फर्नेस बना के मैं यहाँ पे रख देता हूँ, और उस आयरन को ना उसमें मेल्ट करके अपने लिए ना एक आयरन की पिकैक्स बना लूंगा मैं। ठीक है, तो फर्नेस बनाने के लिए भाई सबसे पहले तो मुझे अपनी चेस्ट टेबल यहाँ रखनी पड़ेगी। ठीक है, और फर्नेस आई थिंक भाई ऐसे बनेगी, तो ऐसे अगर मैं पत्थरों को जमा दूंगा ना तो भाई फर्नेस बन जाएगी। तो एक फर्नेस की मुझे जरूरत है, तो मैं एक बना लेता हूँ। ठीक है, और अपनी फर्नेस को रखने वाला हूँ मैं यहाँ पे, रख देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो भाई इसमें ऐसा करता हूँ, मैं अपना खाना जो मैं लेके आया था ना कुक कर लेता हूँ, क्योंकि भाई कच्चा खाना मैं अगर खा रहा हूँ ना तो मेरी हेल्थ इतनी जल्दी नहीं बढ़ रही है। और थोड़ा सा मैं ऐसा करता हूँ, हंटिंग करके ना अपने लिए और मीट ले आता हूँ। तो यहाँ पे काउ है, शिप है, तो मैं ऐसा करता हूँ शिप को मार देता हूँ। ऑलराइट भाई, इतनी जल्दी दिन तो हुआ था, पर अभी भी रात जैसा माहौल क्यों भाई? बारिश होने वाली है क्या? ऐसा लग रहा है मुझे। और अभी भी देखो क्रीपर भाई घूमने लग रहे हैं खुले में, और मुझे ऐसा लग रहा है भाई मौसम खराब है माइनक्राफ्ट का इस टाइम पे। तो मैं ऐसा करता हूँ फिर से सोने की कोशिश कर लेता हूँ। अब तो भाई सुहाना सा दिन हो चुका है। ठीक है, अब मैं देख लेता हूँ मेरा खाना कितना कुक हो चुका है। तो मेरा खाना तो अच्छा खासा पक गया है, तो मैं इस वाले को भी पका लेता हूँ, इसको मैं खा लेता हूँ। ठीक है, इससे तो भाई मेरी बहुत जल्दी हेल्थ बढ़ गई, और ये खाना भी मेरा कुक हो चुका है। ठीक है, तो इसको मैं बाद में खाऊंगा, और ये लास्ट बचा हुआ है तो इसको भी मैं कुक कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे पास कोल भी भाई लिमिटेड ही है। और नीचे यहाँ पे भी भाई एक टनल जा रही है, मुझे एक कोल दिख चुका है। तो सबसे पहले तो अपने लिए मैं कोल ले आता हूँ, क्योंकि मुझे कोल की बहुत जरूरत है और भी ज्यादा अपनी चीजें बनाने के लिए। जितना हो सकता है भाई उतना मैं कोल यहाँ से कलेक्ट करने वाला हूँ। और मुझे ऐसा लगता है मेरे पास कितना 5 कोल इकट्ठे हो चुके हैं, जो कि भाई कम है। तो ऐसा करता हूँ भाई सबसे पहले तो इस नीचे जाके देख लेता हूँ इस टनल में क्या है। वही मैं बोलूँ भाई इतनी ज्यादा रोशनी क्यों, यहाँ पे लावा बहने लग रहा है। अगर मैं इसमें गिर गया तो मेरी मौत हो जाएगी, तो मुझे इसमें गिरना नहीं है, बच बचा के चलना है। ठीक है, और मुझे ना इस केव को एक्सप्लोर भी करना है। इसमें मुझे ऐसा लग रहा है भाई अच्छा खासा आयरन मुझे मिलने वाला है। तो सबसे पहले तो भाई मैं टॉर्चेस प्लेस कर देता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे और भी मुझे कोल मिल चुका है, तो ये भी कलेक्ट कर लेता हूँ। ऑलराइट गाइस, तो मैंने बहुत सारा कोल इकट्ठा कर लिया, उस गुफा में मैं आगे बढ़ता ही जा रहा हूँ। कहाँ पे आ चुका हूँ, यहाँ पे मुझे डर्ट भी मिलने लग गई है। तो मुझे ऐसा लगता है भाई ये ऊपर जाने का रास्ता है। तो सबसे पहले तो भाई मैं इसको तोड़ के देख लेता हूँ, तो मैं और अपने नीचे डर्ट लगा के इसको और खोद लेता हूँ। ठीक है, और जैसा कि भाई मैं बोला था, सबसे पहले तो इस टॉर्च को हटा देता हूँ। मैं केव से बाहर आ चुका हूँ, बिल्कुल गांव के नीचे से होके। तो ऐसा करता हूँ इस पूरे गांव को एक बार मैं एक्सप्लोर करके देख लेता हूँ। यहाँ पे मुझे अच्छी से अच्छी अगर चेस्ट मिल जाएगी ना तो मेरे मजे हो जाएंगे। तो इस वाले रूम में भी एक चेस्ट रखी हुई है, तो इसको ले लेता हूँ, जिसमें भाई मुझे बहुत सारी ब्रेड मिल चुकी है। ठीक है, तो सारी ब्रेड को तो मैं अपने पास रखने वाला हूँ, क्योंकि भाई मुझे फूड की यार बहुत ज्यादा कमी हो रही है, क्योंकि अभी मैं इतना ज्यादा फूड कुक नहीं कर पा रहा हूँ। तो अभी तो ऐसा करता हूँ मैं जितना भी कोल लेके आऊँ ना अपनी फर्नेस में डाल देता हूँ, और जितना भी मेरे पास आयरन है भाई उसको मैं मेल्ट कर लेता हूँ, जिसको ज्यादा देर नहीं लगेगी मेल्ट होने में। और इससे भाई मैं अपने लिए आयरन की पिकैक्स बना ही लूंगा, बाकी के टूल्स नहीं बन पाएंगे, जो कि भाई बाद में आयरन माइनिंग करके हम बना लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैं देख लेता हूँ भाई हमारा आयरन कितना मेल्ट हुआ। तो एक इंगट मुझे मिल चुका है। ऑलराइट, तो मुझे 2 इंगट मिल चुके भाई। ठीक है, अब लास्ट इंगट मिलेगा, मतलब जितने आयरन ब्लॉक्स होंगे ना उतने आयरन इंगट मुझे मिलने वाले हैं।
तो 3 आयरन इंगट मुझे मिल चुके हैं। तो आयरन की एक्स बनाने के लिए भाई मुझे 3 इंगट ऐसे रखने हैं, 2 स्टिक्स ऐसे रखनी है, ठीक है। तो आयरन की भाई एक्स बन चुकी है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा भाई बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। तो ऐसा करता हूँ, मैं इससे ना ये वाला ब्लॉक तोड़ के देख लेता हूँ। पर ये तो लकड़ी का बना हुआ है भाई, मुझे ना भाई पत्थर पे टेस्ट करनी पड़ेगी ये। तो ये वाली फर्नेस तोड़ के देख लेता हूँ। वो भाई इसने कितनी जल्दी तोड़ दी, मतलब ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। तो ऑलराइट गाइस, मुझे ऐसे ही बस अपने लिए आयरन की एक एक्स बनानी और एक स्वॉर्ड बनानी, उससे भाई मैं बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाऊंगा अभी फिलहाल के लिए। और मुझे एक अच्छी सी जगह भी ढूंढनी जहाँ पे मैं अपना घर बना सकूँ थोड़े टाइम के लिए रहने के लिए। भाई ये गाँव भी अच्छा है, पर मैं यहाँ पे परमानेंट नहीं रह सकता, क्योंकि मुझे भाई अपने लिए बहुत तगड़ा घर बनाना है। तो उसको मैं बनाऊंगा भाई अगली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कर देना, और आप जितना अच्छा रेस्पॉन्स इस वीडियो पे दिखाओगे ना, मैं उतनी जल्दी इसका नेक्स्ट पार्ट भी ले आऊंगा। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय।